हेलो एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग। आज हम टाइम से जुड़े हर रोज यूज करने वाले दिनों के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। मॉर्निंग, सुबह। डॉन मतलब सुबह से पहले का समय या फिर सूरज उगने से पहले का समय को हम बोलते हैं डॉन। नून या मिड डे, दिन का 12 बजे का समय को हम बोलते हैं नून या फिर मिड डे। आफ्टरनून, दोपहर। इवनिंग, शाम। डस्क मतलब सूर्यास्त के बाद का समय को या फिर रात होने से पहले का समय को हम बोलते हैं डस्क। नाइट मतलब रात। टुडे मतलब आज। टुनाइट मतलब आज का रात। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे के समय को हम बोलते हैं मिडनाइट। फोर्टनाइट का मतलब पक्ष, महीना का 15 दिन का समय को या फिर 2 सप्ताह का समय को हम बोलते हैं फोर्टनाइट। हम हिंदी में दो पक्ष के बारे में जानते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो 15 दिन का समय होता है और जिसमें चांद दिखती है, और कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का समय बाकी होते हैं और उसमें चांद नहीं दिखते हैं। वीकेंड्स मतलब सैटरडे एंड संडे को हम बोलते हैं वीकेंड्स। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों। लास्ट मतलब पिछले, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। लास्ट डे मतलब पिछले दिन। लास्ट मंथ मतलब पिछले माह। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। लास्ट टाइम मतलब पिछले समय। नेक्स्ट मतलब अगले। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले माह। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। नेक्स्ट टाइम मतलब अगले समय। Thank you for watching this video. For more such learning videos, like, subscribe and hit on bell icon so that you get every notification.